आयुष्मान भवा अभियान के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले आयुष्मान मेले के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि आयुष्मान मेले का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित आबादी वाले क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के महत्व आदि के बारे में जनमानस को जागरूक करना आदि शामिल है। पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर चिन्हित किए गए मुरादाबाद जनपद में लगभग 55% गरीब परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए गए हैं। योजना के ऐसे पात्र परिवार अभी भी सामने आ रहे हैं जिनको आयुष्मान कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अतिरिक्त जो लोग आयुष्मान कार्ड से रह गए हैं उनके पास यदि अंत्योदय कार्ड या श्रमिक कार्ड है तो ऐसे व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए सर्वे भी कराया जा रहा है। अपनी बात को जारी रखते हुए जिलाधिकारी ने आगे कहा कि वार्ता जो है वो दो बिंदुओं पे थी। एक तो आयुष्मान भव कार्यक्रम जो 17 तारीख से लॉन्च हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा, एक बिंदु ये था। और दूसरा बिंदु ज़िले में जो डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं उसके बारे में कि हमें क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और जो हमारी जो इलाज की जो सुविधाएं हैं उसके बारे में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वास्थ्य विभाग ने बुलाई थी और इन्हीं दो बिंदुओं पर हमने चर्चा की। 17 तारीख से ये अभियान शुरू होगा। हमारे जनपद में 55% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं जो पात्र हैं हमारे। जो बचे हुए 45% हैं हमारा लक्ष्य है कि उनको उनके भी कार्ड इस अभियान में बनता है। देखिए जो 2011 में जो आर्थिक सामाजिक सर्वे हुआ था तो उनमें जिनके नाम आए थे वो सभी हमारे पात्र हैं। इसके अलावा जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं वो पात्र हैं। श्रम विभाग के जो जो श्रम विभाग के क्या हैं श्रमिक, हाँ श्रम विभाग के जो पंजीकृत श्रमिक हैं वो भी पात्र हैं। तो इन ये और जो मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत जो लोग पात्र पाए गए ये 4 कैटेगरी हैं जिनके की आयुष्मान कार्ड बनने हैं। देखिए परिवार में एक परिवार के नाम से मतलब हम पात्रता परिवार को लेते हैं तो उसमें परिवार में जितने भी सदस्य होंगे वो सभी सभी कार्ड बनेंगे। हमारी तैयारियां हमने जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड अलग से बना रखे हैं। प्रत्येक CHC पर डेंगू वार्ड बनाया गया है। अभी कुछ वहाँ कुछ CHC पर खाने की सुविधाएं ठीक नहीं थी उनको हमने बेटर किया है जिससे कि पेशेंट वहाँ रुक सकें। और हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि जो भी डेंगू के पेशेंट हम जो चिन्हित होते हैं उन सभी को अपने हॉस्पिटल में हम एडमिट करके उनका इलाज करें। बचाव के तरीके चूँकि ये मच्छर स्वच्छ पानी में रहता है तो आप घरों के आसपास पानी को ठहरने ना दें। स्वच्छ पानी ऐसे बर्तन कुछ बर्तन में जैसे पानी रहता है उसको पानी बदलते रहें, जैसे कूलर वगैरह है उसको रोज़ का रोज़ पानी बदलते रहेंगे तो मच्छर पनप नहीं पाएगा। और जहाँ पर भी पानी स्वच्छ पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको इकट्ठा ना होने दें। 212 मरीज अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें 150 एक्टिव हैं।